जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कंपनी से संबंधित इंट्रोडक्शन। कंपनी का मतलब, जैसे आप कंपनी लॉ का पेपर देंगे तब भी, जैसे आप कंपनी लॉ का पेपर ना दे करके कॉरपोरेट अकाउंट का देंगे तब भी, ट्वेल्थ अकाउंटिंग का पेपर देंगे तब भी, एमकॉम में कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देंगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाता है। चाहे आप किसी कंपटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तब भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एकदम साफ शब्दों में हम बताते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपनी, ध्यान दीजिएगा, कंपनी इंट्रोडक्शन। हिंदी में लिखिएगा कंपनी परिचय। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सबके लिए हम बता रहे हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग ऑफ कंपनी। हिंदी में बोलेंगे कंपनी से आशय, हिंदी में बोलेंगे मेरे भाई कंपनी से आशय। तो हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे। पहले इंग्लिश वाला मैं लिख करके बता देता हूँ, किताब हमारे पास है। मैं यहाँ पर लिख करके जो बताऊँगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चाहे हिंदी में लिखूँगा चाहे इंग्लिश में लिखूँगा। तो मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ और ज़्यादा लिखाऊँगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखाऊँगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। कहा गया है द वर्ड कंपनी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, आप भी लिख सकते हैं। द कंपनी, जो कंपनी है द, सॉरी पहले द वर्ड कंपनी, जो कंपनी शब्द है, हिंदी में भी समझते चलिए, भले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, जो कंपनी शब्द है हैज ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। हिंदी में समझिएगा, जो कंपनी शब्द है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है कॉम, पहला वर्ड है कॉम, दूसरा वर्ड है पेन, क्या है पी ए एन आई ई एस, पहला वर्ड जो कंपनी है कॉम, दूसरा है पेंस। इसमें कहा गया है कॉम मीन्स टूगेदर, टू गेदर। उसके बाद पेन मीन्स ब्रेड। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अब हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जो कंपनी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कॉम का मतलब साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, पेन का मतलब ब्रेड, ब्रेड का मतलब रोटी खाने से है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। पेन का मतलब क्या होता है, साथ साथ रोटी खाना, ठीक है। अब आप समझिए, यहां पर इतना ही आपको समझना है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा कहानी समझ लीजिए। जब कंपनी से संबंधित कोई भी समझौते होते हैं, कोई भी
कंडीशन का अप्लीकेशन होता है। तो दो पक्ष होते हैं आपस में मिल करके किसी जगह बैठ करके, रोटी भी खाते हैं और कंपनी से संबंधित मीटिंग भी करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। कंपनी जो है, कंपनी शब्द जो है ओरिजिनेटेड, मतलब जो बना हुआ है फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कॉम का मतलब टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ, पेन का मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी खाने से। केवल इतना ही आपको समझना है। ज़्यादा समझना है तो किताब में सब कुछ लिखा है, हमारे समझाने का मतलब यही है। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया। अब बात रही डिफिनेशन की, डिफिनेशन आपकी किताब में बहुत लिखी होती है, एक डिफिनेशन भी बताते हैं। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। हिंदी में भी पूरा वीडियो उपलब्ध है हमारे पास, जिनको शुद्ध हिंदी में पढ़ना हो वो शुद्ध हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पूरा वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, दीजिएगा। तो इसमें कंपनी की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मैं आपको एक डिफिनेशन लिख करके बता देता हूँ, ठीक है, छोटी डिफिनेशन लिख के बताऊँगा, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिएगा। आपको जो डिफिनेशन लिखना है, प्रोफेसर हैने हैं, प्रोफेसर हैने हैं, इनकी मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। जो बुक में लिखा गया है वही साफ साफ लिख करके समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप किताब से पढ़ेंगे तो बहुत सारे डिफिनेशन हैं, तो एक बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिससे आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, वही मैं लिख रहा हूँ। इन्होंने कहा है आ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, लिखना है आपको, लिखना है आ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ऐसे लिखा गया है आ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वैल्यूएंट्री, इज अ वैल्यू एंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद दिया गया है हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर, हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, द ऑनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन द ऑनरशिप विच इज कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में मैंने लिखा है भले, लेकिन समझिएगा, जो कंपनी होती है वो क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी जो होती है, कंपनी का जो शेयर होता है, कंपनी का जो हिस्सा होता है वो इकट्ठा होता है। इन्होंने कहा है आ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज वैल्यूएंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्रॉफिट। जो कंपनी बनाई जाती है उसका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कैपिटल जो होती है, इनकी कैपिटल जो होती है शेयर में डिवाइड होती है, अंशों में डिवाइड होती है, अंशों में बटी हुई होती है। द ऑनरशिप विच इज कंडीशन मेंबरशिप, जैसे जो मेंबरशिप, जितना जितने लोग शेयर लिए रहते हैं, जितना हिस्सा लिए रहते हैं, उसी के हिसाब से वो मालिक होते हैं। यही इन्होंने लिखा है, बाकी हिंदी में भी लिख देते हैं। प्रोफेसर
हैने के अनुसार ही कंपनी ने इन्होंने क्या लिखा है हिंदी में, कहा गया है कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है? कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। पूरा समझा रहे हैं, यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। कंपनी क्या होता है? उसके बाद कहा गया है इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, इसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। उसके बाद इन्होंने कहा इसकी सार मुद्रा होती है और इसकी सार्व मुद्रा होती है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपको ध्यान देना है। इन्होंने कहा है कंपनी राजनियम द्वारा, मतलब कि कंपनी जो होती है नियम कानून के द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति है जो खाना पीना नहीं खाता लेकिन बाकी सब काम करता है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसका मतलब होता है कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है। जैसे आप हमारी कंपनी के सदस्य हैं, आप कहीं पर कोई मर्डर कर दें बाहर तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती, आप अलग हैं कंपनी अलग होती है। इसे उत्तराधिकार प्राप्त होता है, इसकी अपनी सार मुद्रा का मतलब होती है मोहर होती है। इतना आपको परिभाषा में लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बाकी हम आपको बताने जा रहे हैं आगे आगे, ठीक है, आगे बताने जा रहे हैं कंपनी की क्या बोलते हैं डिफिनीशन के बाद कैरेक्टर क्या होते हैं कंपनी के, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। डिफिनीशन के बाद कैरेक्टर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एकदम अच्छे से बता रहे हैं, इतना लिख लीजिएगा। और आपको ध्यान देना है अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कोई बात नहीं, कैरेक्टर आपको तय करना है, आपको कैरेक्टर का मतलब विशेषता में सबसे पहले आपको ध्यान देना है। दिया गया है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ लिखना है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी जो होती है नियम कानून के द्वारा, कंपनी जो होती है विधि विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है, क्रिएटेड बाय लॉ बोला गया है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल का मतलब जो मानव बनाए, जो हम लोग बनाते हैं उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए बोला गया है कंपनी एन आर्टिफिशियल क्रिएशन बाय लॉ। और जब कंपनी क्रिएशन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कंपनी को नियम कानून के तहत बनाया जाता है और कंपनी को नियम कानून के तहत बिगाड़ा भी जाता है, यानी कि समापन भी किया जाता है। दूसरा आपको लिखना है क्या? दूसरा आपको लिखना है कहा गया है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व।
इसका मतलब क्या होता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है कंपनी का जो मालिक होता है, सॉरी कंपनी का जो अंशधारी होता है, जैसे हमारी मान लीजिए कोई कंपनी है, जियो कंपनी है, कोई शेयर हो लिया है जियो कंपनी में, एयरटेल कंपनी में, शेयर जो शेयर लिया है वो शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर कहीं पर कोई फ्रॉड कर दे, कहीं पर कोई मर्डर कर दे, कहीं पर कोई रेप कर दे, तो क्या कंपनी उसके लिए जिम्मेदार होगी? भाई कंपनी अलग है, इसीलिए कहा सेपरेट एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व, मतलब कि दोनों अलग हैं, कंपनी और कंपनी का शेयर होल्डर दोनों अलग होता है। तीसरा कहा है परपेक्चुअल, तीसरा नंबर परपेक्चुअल सुसेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। कंपनी कोई भी कंपनी बनाई जाती है, कंपनी की कोई लाइफ नहीं होती, कंपनी का कोई वो नहीं होता कि 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, कंपनी कभी भी शाश्वत होती है। कंपनी के शेयर होल्डर मर जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। एयरटेल कंपनी चल रही है, जियो कंपनी चल रही है, वोडाफोन कंपनी चल रही है, टाटा चल रही है, अंबानी की रिलायंस चल रही है, तो क्या अंबानी बंद मर जाएंगे तो क्या इनकी कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी जो होती है शाश्वत होती है। शाश्वत का मतलब होता है परपेक्चुअल, मतलब हमेशा चलती रहती है, कंपनी कभी बंद नहीं होती है, याद रखिएगा। चौथा नंबर, शाश्वत का मतलब हमेशा चलती रहेगी। कहा गया कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब सार्व मुद्रा। सार मुद्रा का मतलब क्या होता है? कंपनी कोई भी काम करती है, कंपनी कोई भी काम करती है, तो जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंपनी है। स्टेट बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले स्टेट बैंक की मोहर लगती है, उसके बाद संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तो वही हस्ताक्षर, मतलब कि जो मोहर लगती है कंपनी की, उसे ही बोला जाता है सार्व मुद्रा। कंपनी की आप बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, पासबुक पे लगाएगा, पैसा निकालेंगे तब, जमा करेंगे तब, मोहर लगती है। मोहर का मतलब वो सार्व मुद्रा है, कॉमन सील है। उसके बाद उस पर उत्तरा जो उसके उसका जो संबंधित अधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो जो मोहर लगाएगा उसे कहा जाता है, फिर उसकी हस्ताक्षर भी होगी, उसे बोला जाएगा कॉमन सील। कंपनी भाई बोल सकती नहीं ना, कंपनी का कोई शरीर तो होता नहीं, हस्ताक्षर हो कर नहीं सकती कंपनी, तो हस्ताक्षर के स्थान पे क्या लगाया जाएगा? कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है मुहर लगाई जाएगी, उस पर संबंधित अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा। पांचवा नंबर, लिमिटेशन, ऑफ एक्शन। इसमें होगा कार्य क्षेत्र की सीमाएं, कार्य क्षेत्र की सीमाएं। कार्य क्षेत्र की सीमाएं का मतलब क्या होता है? कार्य क्षेत्र की सीमाओं का मतलब कंपनी का जो काम करने का एरिया होगा, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। कंपनी का जो काम करने का वो होगा, काम करने का सीमा होगा, लिमिटेशन होगा, वो पहले से ही तय होगा। कंपनी के काम करने की जो क्षमता होगी, सीमा होगी, वो पहले से ही तय होगी ना, इसी सीमा के अंतर्गत कंपनी काम करेगी। छठा नंबर कहा है
इसमें दिया गया है वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। आपको आगे ध्यान देना है, छठा नंबर कहता है कि वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट इसका मतलब होता है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। कंपनी जो बनाई जाती है लाभ के लिए, ऐच्छिक संघ। कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है, कंपनी का भी उद्देश्य लाभ कमाना होगा, ठीक है। परंतु सार्वजनिक हित का भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप काम करो, सब काम लीगल होना चाहिए। सातवां नंबर होता है लायबिलिटीज। कंपनी का जो होता है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है सीमित होता है और असीमित भी होता है, लिमिट भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। एट्थ नंबर आपको लिखना है शेयर ट्रांसफरेबल, अंश हस्तांतरणीय। इसका मतलब होता है जो कंपनी का शेयर होता है वो किसी को भी हस्तांतरित का मतलब ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, किसी को अदर को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो मेन मेन चीज़ मैंने बता दिया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपनी का जो कंपनी के टाइप्स होते हैं उसको बेहतर तरीके से बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, जो टॉपिक बताऊंगा जितना उतना ही बताऊंगा जो आपके काम का होगा, जो आप याद कर सकें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए।